नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च की गई HDFC ड्रीम SIP के बारे में। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट कुछ ICICI की फ्रीडम SIP और SBI की मित्रा SIP से मिलता जुलता है, तो इसकी जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं HDFC ड्रीम SIP के बारे में। दोस्तों, हर इंसान के अपने कुछ ऐसे सपने होते हैं जिसे वो लाइफ में कभी ना कभी उसे पूरा करना चाहता है, और वो पूरा ना कर पाने की वजह होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसीलिए हम सबको हमेशा ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और वो क्यों चाहिए? हमारे कुछ सपने होते हैं जिसे पूरा करने के लिए, जैसे कि लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए बिना पैसों की चिंता किए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या तो फिर अपने स्टार्टअप का ड्रीम चेंज करने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए, जैसे कि फोटोग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिक वगैरह वगैरह, किसी अच्छे सोशल वर्क के लिए, और जल्दी रिटायर होने के लिए, और साथ में एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, ये सारे सपने पूरे करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए जिससे हम अपने शौक को, हमारे पैशन को पूरा कर सके। और इसी सपनों को पूरा करने के लिए HDFC म्यूचुअल फंड ने HDFC ड्रीम SIP को लॉन्च किया है। और ड्रीम SIP के जरिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, और स्वैप फैसिलिटी के जरिए आप मंथली इनकम लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो HDFC ड्रीम SIP स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी SIP अमाउंट डिसाइड करो, और मिनिमम SIP अमाउंट रिस्पेक्टिव स्कीम की मिनिमम SIP अमाउंट जितनी होगी। दूसरा है SIP का टेन्योर सिलेक्ट करना, जिसमें है 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। इसमें से कोई भी आप SIP टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना, जिसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में है कि SIP और स्वैप दोनों एक ही स्कीम से करना, ऑप्शन बी है कि SIP करनी है सोर्स स्कीम में और स्वैप करना है टारगेट स्कीम में। चौथा ऑप्शन है प्रॉपर स्कीम सिलेक्ट करना, और पांचवा ऑप्शन है स्वैप अमाउंट डिसाइड करना। तो इतने स्टेप्स को फॉलो करने से आप ड्रीम SIP शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे SIP टेन्योर्स और उसके मिलने वाले रिटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पर SIP का टेन्योर है 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। और यहाँ पर 7 साल के लिए आप विड्रॉल ले सकते हैं SIP अमाउंट से 1 गुना, 10 साल के लिए मंथली SIP अमाउंट से 1.5 गुना, 12 साल के लिए मंथली SIP से 2 गुना, 15 साल से मंथली SIP के 3 गुना, 20 साल के लिए 5 गुना, 25 साल के लिए 8 गुना और 30 साल के लिए 12 गुना। मतलब अगर आप इतने SIP टेन्योर के लिए SIP करेंगे तो आपको उतने साल के बाद इतने मल्टीपल्स में हर महीने विड्रॉल मिल सकता है। एक एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये की मंथली SIP की है, तो अब इस टेबल को देखिए। 7 साल के टेन्योर के लिए आपको मिल सकता है 10,000 रुपये, 10 साल के टेन्योर के बाद आपको मिल सकता है 15,000 रुपये हर महीने, 12 साल के टेन्योर के बाद 20,000 रुपये, 15 साल के टेन्योर के बाद 30,000 रुपये, और 20 साल के टेन्योर के बाद 50,000, और 25 साल के बाद 80,000, और 30 साल के बाद 1,20,000 जितना। मतलब कि अगर आपने 10,000 मंथली SIP की तो इतने टेन्योर के बाद आपको इतना रिटर्न मंथली मिल सकता है। और ये रिटर्न कब तक मिलेगा? तो रिटर्न मिलेगा 31 दिसंबर 2099 तक, या तो फिर जब तक आपके पास यूनिट्स अवेलेबल है तब तक। अभी हम बात करेंगे दो ऑप्शन की, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में सोर्स एंड स्वैप स्कीम दोनों एक ही होती है, और यह है लिस्ट इस ऑप्शन के अंदर एलिजिबल स्कीम का। मतलब कि इस स्कीम के अंदर आप SIP कर सकते हैं, और उसके बाद इसी स्कीम के अंदर से आप स्वैप भी ले सकते हैं आपका टेन्योर खत्म होने के बाद। और स्वैप कब तक कंटिन्यू रहेगा? 31 दिसंबर 2099 तक, या तो फिर आपके पास यूनिट्स अवेलेबल होंगे तब तक। ये था ऑप्शन ए, सोर्स एंड टारगेट्स दोनों स्कीम सेम है। अब ऑप्शन बी की बात करेंगे, जिसमें सोर्स स्कीम अलग होगी और टारगेट स्कीम अलग होगी। तो यहाँ पर ये लिस्ट है जो आप टारगेट स्कीम के लिए पसंद कर सकते हैं। और यहाँ पर भी स्वैप आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2099 तक, या तो फिर आपके पास यूनिट्स अवेलेबल होंगे तब तक। अब बात करेंगे कि HDFC ड्रीम SIP में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा है लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। दूसरा बेनिफिट, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी चॉइस मिल रही है। यहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टेन्योर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने डिफरेंट गोल्स के लिए। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। यहाँ पर SIP टेन्योर में फ्लेक्सिबिलिटी है, SIP अमाउंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, और आप स्वैप अमाउंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। यहाँ पर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
और स्वैप के जरिए आप एश्योर स्टेडी पे आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था ड्रीम SIP में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी HDFC ड्रीम SIP के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट ICICI प्रूडेंशियल फ्रीडम SIP एंड SBI म्यूचुअल फंड की मित्र SIP से सिमिलर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।